कि आप देख सकते हैं सौरा नदी पूरी तरह से पानी से लबालब। उसके किनारे बने छोटे बांध पे दोपहिया वाहन जाते हुए पूरी तरह से भरी हुई लगभग बांध के बराबर पानी आ गया है और पूरा इलाका पानी से भरा हुआ है लबालब। कुछ ऐसे किए बने छोटे हुए मकान, छोटे छोटे मकान जहाँ तक जाना संभव नहीं हो, पूरा पानी से भरा हुआ है। देखिए यहाँ पे बहुत खूबसूरत पानी में गुलाबी परछाई आसमान की, कितना सुंदर दृश्य बन पड़ा है। पानी पे हरे घास, उसके ठीक नीचे आकाश की गुलाबी परछाई और ठीक ऊपर गुलाबी आसमान, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। वैसा ही दृश्य, पूरा इलाका पानी से लबालब, पूरी तरह से पानी से भरा हुआ, ऊपर घास, हरी हरी घास और उसके ठीक नीचे गुलाबी परछाई दूर तक फैली हुई, क्या सुंदर दृश्य है, बहुत सुंदर है। और आकाश सब कुछ चमत्कृत करता हुआ, नीला आकाश, गुलाबी परछाई और दूर सौरा नदी करवट लेती हुई आगे बढ़ती हुई, वो देखिए दूर सौरा नदी मोर लेती हुई अब फिर से वही गुलाबी आसमान। पूरा स्क्रीन गुलाबी रंग से भरा हुआ है, क्या खूबसूरत शाम है। और ये देखिए पूर्णिया की खूबसूरत शाम, पूरा आकाश सिंदूरी हुआ पड़ा है, सिंदूरी, स्लेटी, नीला, ढेर सारे रंगों का समिश्रण। पीला, बीच में लहकता सूरज, उड़ते चिड़िया, वहां पे थोड़ी सी परछाई है, स्लेटी आकाश में गुलाबी परछाई, और यहाँ सूरज बस अस्त हुआ ही जाता है। बीच में खूब लहकता पीला सूरज, खूब लहकता, आस पास सिंदूरी, दूर तक केसरिया, फिर स्लेटी आसमान, गुलाबी परछाई दूर तक आकाश में फैल हुई। ओह क्या खूबसूरत शाम है। नीचे ऊंचे ऊंचे मकानों में बल्ब जलने लगे हैं, और अब सूरज जैसे अस्त हुआ ही जाता है। बस अभिभूत हैं इस प्रकृति की खूबसूरती को देख के। एक बार और, बस कुछ और पल हैं, उसके बाद ये पूरा का पूरा दृश्य अंधेरे में समाहित। बस पलक झपकने की देर है, सुंदर, अति सुंदर।